यहाँ पे आना था मैं रनिंग करने गया था जिम करने के लिए। फिर हमें लगा रिक्शा में आएगा। मैं रिक्शे में ही आया हूँ, आपको बिलीव नहीं होगा, मैं वहाँ पे उतर गया था। यार मुंबई में कौन चलाता है अपनी गाड़ी ट्रैफिक में? और अभी जैसे हालात है वैसे ड्राइवर तो कोई है नहीं, तो फिर कैसे आता? मुझे लगता है कि मैं इससे ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ अपनी लाइफ में। सर कुछ बता दीजिए, छोटे शहर से बड़ा आज बिग बॉस में, बिग बॉस नहीं खतरों के खिलाड़ी में, बिहार एक छोटे से गांव से आया हुआ लड़का बिहार से आज खतरों के खिलाड़ी में, सर कुछ बता दीजिए। कुछ क्या बताऊँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कुछ करने की ठान लेते हो लाइफ में तो आप कर जाते हो। मैं जब यहाँ पे आया था मुंबई में तो ये सोच के ही नहीं आया था कि मैं एक कोई शो करूँगा या कोई फिल्म करूँगा या कोई रियलिटी शो करूँगा। मैं बस ये सोच के आया था कि मैं अच्छा काम करूँगा, और वक्त बीतता गया धीरे 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 धीरे, अच्छा काम करता गया, मेहनत की अपने आप पे, बहुत सारी खामियाँ थी उन सबको दूर किया, अभी भी काम कर रहा हूँ उन सब पे। अगर जब तक आप अपनी खामियों पे काम नहीं करते हो, अपने वो ग्रूम नहीं करते हो, आप अगर किसी चीज़ की तलाश में हो तो उस तक पहुँचने का कोई रास्ता होगा। अगर आप उस रास्ते पर नहीं चलते हो या अगर वो रास्ता बनाते नहीं तो आई डोंट थिंक कि आप अपने उस डेस्टिनी तक पहुँचोगे। और सर ओलंपिक में 7 गोल्ड 7 मेडल्स मिले, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? पहले तो बहुत गर्व की बात है। बोलिए। सबसे पहले तो हम सबके लिए गर्व की बात है कि और जितने भी हमारे एथलीट गए थे उन सबको बहुत बहुत बधाई है, और जो जीते हैं उनके लिए तो मतलब हमारा सीना चौड़ा हो गया है ये सुन के ही कि ओलंपिक में 7 मेडल मिले। मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगा कि हम 7 नहीं हम 70 ला सकते हैं मेडल्स। जस्ट अब जाके जो चीज़ें हो रही है ना बदलाव हमारे सोसाइटी में, हमारे घरों में, जैसे बच्चों को खेलने दिया जा रहा है, पहले खेलने दिया नहीं जाता था। और सबसे बड़ी बात जो हमारे जो भी हमारे स्पोर्ट्स की तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से जो फैसिलिटीज़ हैं, अगर हम उन सबको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करें, अगर हम सबको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करें तो इंडिया कैपेबल है 70 मेडल लाने के लिए, आई थिंक सो। और हर ओलंपिक में ही नहीं, मतलब जितने भी ओलंपिक्स होते हैं, जहाँ पे भी होते हैं, जो भी गेम्स होते हैं, उन सब में। सो मैं बस इतनी बात बोलूँगा कि सीना चौड़ा और भी होते जाएगा धीरे 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 धीरे, जब बहुत सारे स्पोर्ट्समैन जाएंगे और बहुत सारे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे और हम बहुत सारा मेडल जीतेंगे। सर आपका फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा? मेरा फेवरेट तो वैसे मतलब क्या बोलूँ यार, कबड्डी बोलूँ क्या, बहुत मजा आता था बचपन में खेलने के लिए, वैसे क्रिकेट। सर खतरों के खिलाड़ी के बारे में तो बिग बॉस भी अटका रहा है, वो अभी चल रहा है, अभी चल रहा है, इसी वजह से मुझे पता है खतरों के खिलाड़ी टाइम आ रहा है, थोड़े दिन के बाद 3 महीने के बाद फिर वो लोग दिखेंगे तुम्हें बॉस। नहीं 6 महीना सर, ये टर्न 6 महीना। अच्छा ये टर्न 6 महीने, 3 महीना ओटीटी 3 महीना वो चल रहा है। खतरों के खिलाड़ी के बारे में कुछ बता दीजिए, आस्था का एलिमिनेशन हो गया। हां आस्था का आस्था एलिमिनेट हुई, एक गेम शो है, किसी ना किसी को तो जाना ही है, कोई ना कोई एक जीतेगा ही। लेकिन बहुत अच्छी प्लेयर थी, बहुत अच्छी इंसान है, मेरे बहुत अच्छी दोस्त है, स्ट्रॉन्ग प्लेयर थी, निकल गई। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे तो जितना पता है कि आस्था एक गो एंड गेटर गर्ल है और वो खेल करते रहती है हमेशा। सो आस्था आस्था गेल वो खेलेंगे। सर विनर कौन है? मैं तुम विनर के लिए टाइम है ना, देख लेना, ऐसा कोई बताता है क्या विनर कौन है? विनर मैं बताता हूँ, विनर है सिद्धार्थ शुक्ला। अर्जुन नहीं नहीं रुके रुके, सिर्फ फैंस ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है इस समय। किस चीज का? अर्जुन बिजलानी जी का। मैं ट्विटर पे हूँ नहीं, मैं सिर्फ एक ही सोशल मीडिया पे हूँ, वो इंस्टाग्राम, मुझे उतना पता नहीं है ट्विटर का। और अभी क्या चल रहा है, कुछ दिनों पहले कोई और था, जब मैं पहुंचा ही नहीं था केप टाउन तभी लोगों ने बोल दिया कि मैं एलिमिनेट हो गया हूँ। तो ट्विटर और सोशल मीडिया पे जिसको जो जी में आता है वो छाप देता है यार। तो भाई आप मानते हैं अर्जुन बिजलानी विनर है? मैं आप दिल से मानते हैं कि अर्जुन भाई? मैं दिल से मानता हूँ कि इस शो में जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे ना वो सब विनर है। बहुत डिफिकल्ट शो है यार, बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे आया था मना कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, वहाँ जाके पता चलता है। एक तो इतना बड़ा शो है, आई डोंट थिंक कि किसी के पास आता होगा तो ऐसे लोग बोल देते होंगे कि नहीं करने में, बहुत डिफिकल्ट शो है। जितने भी लोग आए थे सब लोग मेरे लिए मेरी नजर में विनर है। टीम में एक लड़की होती है ना जो लड़कों को सबको कंट्रोल करती है, सबसे वो फ्रेंडशिप होती है, सबकी सबकी वो बातें जानती है, सबसे बातें करती है, तो निकी उसमें थी है। निकी बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत कमाल की बनती है। तिवारी जी मामा, तो यार मामा के बारे में बोलना ही क्या है, 5 साल से जानता हूँ मैं उनको, इतना प्यार मैं उनको करता हूँ। आई डोंट थिंक कि किसी को एक्ट्रेस को मैंने इतने मतलब इतना प्यार करता हूँ शायद, मुझे लगता है आकृति और उसको छोड़ के मायरा को। लेकिन मामा जो है बहुत ही कमाल की लेडी है, एंड आई ऑलवेज लव हर, रिस्पेक्ट। और सर अगर अभी बिग बॉस पे आते हैं, बिग बॉस ओटीटी, अगर सर बिग बॉस ओटीटी में अगर वाइल्ड कार्ड एंट्री में अगर आपको चांस मिले? हाँ नहीं जाऊँगा।
अभी मूड में ही नहीं हूँ यार, क्यों जाऊँ, कैसा खतरों के लड़े एंजॉय करने थे ना। नहीं अगर वाइल्ड कार्ड एंट्री, मगर आपकी एंट्री बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। तो करण जोहर सर होस्ट कर रहे हैं तो नहीं अगर बाई चांस ठीक है भाई, भाई सलमान खान सर होस्ट कर रहे हैं, तब तो 3 महीने के बाद करण जोहर सर भी होस्ट कर रहे हैं, वो रीजन नहीं है वहाँ पे जाने का, वहाँ जाने का नहीं रीजन है, क्योंकि उस मूड में ही नहीं। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, बाय, गुड लक, ख्याल रखिए आप लोग, ठीक है, कोरोना में दूरी बनाए रखिए थोड़ा थोड़ा।